पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान पर बगावत का नया मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फौज से मुतालिक इमरान खान ने जेल के अंदर से ट्वीट किया तो FIA टीम एक नए मुकदमे की गिरफ्तारी के लिए और तहकीकात के लिए इमरान खान के पास अडयाला जेल पहुंच गई। अता तारड़ भी इस पर बोले और सबसे पहले आप ये देखिए कि राणा सनाउल्ला कई दफा ये कह चुके कि इमरान खान को एक लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखना मकसूद होगा तो फिर मुकदमे बहुत हैं, किसी न किसी नई चीज पर मुकदमा बना दिया जाएगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान से 8 सितंबर के जलसे के बाद मुसलसल ये कहा जा रहा था कि हमें मुक्तदरा की जानिब से धोखा दिया गया है और इमरान खान 1970 और 71 के मामलात की तरफ इशारा करते हुए कह रहे थे कि जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान को धोखा दिया गया ऐसे ही हमें धोखा दिया गया है। अब की बार इमरान खान ने कहा कि 22 सितंबर का जलसा हमने मुलतवी किया और इसके लिए आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को मुक्तदरा ने यानी एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था। साथ ही हमें यह जमानत दी गई थी कि 8 सितंबर को आप जलसा कर सकते हैं और आपको हर तरह की सहूलत भी दी जाएगी, लेकिन 8 सितंबर के बाद जो कुछ हमारे साथ किया गया इस पर हमसे धोखा वैसे ही किया गया है जिस तरह शेख मुजीबुर रहमान से धोखा किया गया था। शेख मुजीबुर रहमान से एक तरफ ये वादा किया जाता था कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर हुकूमत आपके हवाले की जाएगी और दूसरी जानिब बांग्लादेश में फौरी तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया इसमें मोहसिन नकवी, जस्टिस काजी फायज ईसा समेत तमाम तर वो किरदार जिनमें हुमायूं दिलावर भी शामिल हैं इनके नाम लेकर ट्वीट किया गया कि ये सब लोग मुक्तदरा के लिए काम कर रहे हैं और उनके कहने पर जिस तरह का ऑर्डर आता है वैसा ही काम करते हैं। इमरान खान ने PTI के MNA सादुल्ला बलोच की बीवी, बेटी और खाला की गिरफ्तारी के हवाले से बताया कि कौमी असेंबली और पार्लियामेंटेरियंस के घर वाले महफूज नहीं तो पाकिस्तान में फिर कौन महफूज होगा। सादुल्ला बलोच की बीवी, बेटी और खाला को भी उठा लिया गया था। अब जुडिशियल तरमीम के हवाले से भी कुछ नाम सामने आ रहे हैं कि जो मुमकिन तौर पर इमरान खान की पार्टी से साइड बदल कर दूसरी तरफ वोट दे सकते हैं। ये इंतहाई अहम मामला है और इसमें भी सादुल्ला बलोच का नाम आ रहा है कि उनकी फैमिली की खवातीन के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अलबत्ता वफाकी वजीर इत्तला'आत अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान की ट्वीट पर FIA उनसे तहकीकात करेगा और ज़राए के मुताबिक अब बगावत का एक और मुकदमा इमरान खान के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। साइबर क्राइम विंग और इस्लामाबाद की सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल FIA की 4 रुकनी टीम फौरी तौर पर अडयाला पहुंची जहां इमरान खान से धमकी अमेज पोस्ट के मुतल्लिक तहकीकात की जा रही है।